क्या सच में भूतियां हैं भानगढ़ का किला? जानिए राजस्थान के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की कहानी। सूर्यास्त के बाद नहीं होती है एंट्री। भंगर फोर्ट। भारत एक बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है। यहाँ धर्म और देवी देवताओं में आस्था है, तो बुरी शक्तियों पर भी लोग यकीन करते हैं। देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां के लिए माना जाता है कि यहां बुरी शक्तियों या फिर कहें भूतों और आत्माओं का कब्जा है। ऐसे ही कुछ भूतिया स्थलों में सबसे ज्यादा मशहूर जगह है राजस्थान। राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला, भांगर फोर्ट। ये किला अलवर जिले की अरावली की पहाड़ियों में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर मौजूद है। ये किला पहली नजर में ही देखने में अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। कहानियां हैं कि यहाँ भूत बसते हैं, और यही वजह है कि धीरे धीरे गांवों की आबादी इस जगह से काफी दूर हो गई है। खास बात ये कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात के वक्त किले में एंट्री से मनाई कर रखी है। कई बार पर्यटकों ने इस जगह पर असामान्य घटनाओं की पुष्टि की है। इस समय किले के हालात भी ऐसे हैं कि कोई भी अचानक इसे देखकर डर जाए। भानगढ़ गांव में मौजूद किला अपने ऐतिहासिक खंडहरों से जाना जाता है। हर साल सैकड़ों पर्यटक यहां किले को देखने के लिए पहुंचते हैं। यहां कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी भानगढ़ किले में रुकने की इजाजत नहीं है। भानगढ़ किले के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। भानगढ़ किले को लेकर कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। कहानी एक, इस किले की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। कहा जाता है यहां किला बनवाने से पहले यहां रहने वाले एक साधु से अनुमति मांगी। साधु ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि जब आप किले का निर्माण करें तो किले की छाया मेरे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किले की छाया साधु के घर पे पड़ी डी। इस बात से साधु नाराज हो गया है और उसने श्राप दिया, जिसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया और भूतिया किला बन गया। कहानी दो, कहा जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण थी। राजकुमारी के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा था, लेकिन साजिश का खुलासा होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद इस तांत्रिक के शाप की वजह से यह किला खंडहर में तब्दील होकर भूतिया बन गया। इत्र से वशीकरण करने की कहानी। लेकिन तांत्रिक ने रत्नावती को अपने तंत्र से उसे अपने वश में करने के बारे में सोचा। कहा जाता है कि रत्नावती एक बार इत्र खरीद रही थीं, और कई लोग कहते हैं कि रत्नावती की दासियां उनके लिए इत्र खरीद रही थीं। फिर उस तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को तंत्र के जरिए मंत्रित कर दिया, और जब यह इत्र राजकुमारी के पास पहुंचा तो वो इस इत्र पर किए गए जादू को पहचान गई। फिर रानी ने इस इत्र को लगाने के बजाय फेंक दिया, और फिर जिस पत्थर पर वो इत्र गिरा उसी पत्थर से वो तांत्रिक घायल हो गया। लोगों का कहना है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने यह श्राप दे दिया कि अब इस भानगढ़ का विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी ने गुस्से में आकर यह श्राप दिया था। फिर कुछ दिनों बाद काफी अजीबोगरीब तरीके से भानगढ़ का विनाश हो गया। श्राप में कहा गया था कि यहां के लोग मर जाएंगे और वापस उनका जन्म नहीं होगा, और आत्मा यहां ही भटकेंगी, और उसके बाद यहां ही आत्मा भटक रही है। इस वजह से जो भी यहां रात में रुकता है वो परेशान ही रहता है। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगह है। कई लोगों का मानना है कि यहां दिन के उजाले में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता है। इस फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग शाम के समय यहां घूमने के लिए गए थे, लेकिन वापस लौटकर नहीं आए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस किले से औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह जाने पर ऐसा लगता है जैसे कोई साया पीछा कर रहा हो। यहां जाने पर लोग बताते हैं कि जब भी यहां कोई रात में रुकता है तो मर जाता है, या फिर एक दो दिन में उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे कई लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इसलिए इन प्रचलित कहानियों की वजह से लोग यहां रात में नहीं रुकते हैं और सूरज अस्त से पहले ही यहां से चले जाते हैं। भानगढ़ से जुड़ी खास बातें।
इस किले में प्राचीन द्वार, बाजार, हवेलियां, मंदिर, राजमहल, छतरियां, मकबरा आदि हैं और किले में घुसने के लिए हैं 5 दरवाजे हैं। साथ ही कई मंदिर हैं जिनमें गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी एवं केशव राय मंदिर हैं जो नागर शैली में बने हुए हैं। इसके अलावा पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 प्राचीरों से सुरक्षित की गई है। बाहरी प्राचीर में प्रवेश हेतु 5 द्वार बने हुए हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फूलबारी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाने जाते हैं। मगर अब वहां बने मकानों पर छत नहीं है और सिर्फ दीवारें बची हैं। If you enjoyed this, give it a thumbs up and hit that subscribe button for more. Thanks for watching.